हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं की गणित विषय का ब्लूप्रिंट लेकर आया हूं। तो आप इस ब्लूप्रिंट को ध्यान से देख लीजिए और इसी के आधार पर आप अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जो भी आपका फाइनल पेपर बनेगा वो इसी के आधार पर बनेगा। जिस टाइप से इसमें क्वेश्चन आपको बताएगा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने, उसी प्रकार से आपको आगे की जो आपके पेपर होगा ना, उसी क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप से आपको इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन आएंगी, है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसी के आधार पर आप अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा न्यू ब्लूप्रिंट आ गया है, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए और इसी के आधार पर अपनी पढ़ाई अभी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दीजिए, करते जाइए, ताकि वार्षिक परीक्षा तक, फाइनल पेपर तक अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो आप मेरे इस देवेंद्र एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की हेल्प मिलती रहेगी। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, हमारा जो कक्षा 9वीं का गणित विषय का जो ब्लूप्रिंट है वो देखिए कुछ इस प्रकार से है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, जो हमारी यूनिट वगैरह दी हुई है यहाँ पे, किस यूनिट से कितने मार्क्स का आना है, टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे हमारे इकाई वाले अंक दिए हुए हैं कि किस इकाई से कितने मार्क्स का आना है, कितने टोटल कितने आने हैं उस इकाई से, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्टों की इस इकाई से कितने ऑब्जेक्ट आने हैं, कितने 2 नंबर के आने हैं, कितने 3 नंबर के, कितने 4 नंबर के आने हैं, तो ये सब इसमें दिया गया है। और कुल प्रश्न कितने आएंगे वो भी बताया गया है। आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 घंटे का टाइम होगा, ये भी इसमें बताया गया है, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो आप देखते जाइए। अब हमारा देखिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अध्याय 1 संख्या पद्धति, उसमें से आपको आएगा टोटल 7 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें से 7 नंबर का आएगा, ठीक है ना। उसमें से 3 आपके 1 अंक वाले प्रश्न होंगे, 2 होंगे आपके 2 अंक वाले। इसी प्रकार से दूसरा देख लीजिए, दूसरी यूनिट में आपको टोटल 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 3 आपको ऑब्जेक्ट होंगे, 2 नंबर वाले। इसी प्रकार से तीसरा देख लीजिए, तीसरे निर्देशांक ज्यामिति में से आपको टोटल 4 मार्क्स का आना है, 2 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्ट आएंगे, 1 मार्क्स का आपका 2 नंबर का, 1 आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चौथी यूनिट देख लीजिए, 2 चरम वाली रैखिक समीकरण, इसमें से भी आपको 4 नंबर का आना है, 2 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1 आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से पांचवीं यूनिट देख लीजिए, रेखाएं और कोण, इसमें से भी आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का टोटल आना है, तो 3 आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 1 आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार से आपका छठवां यूनिट देख लीजिए, त्रिभुज, इसमें से आपको टोटल 6 नंबर के आने हैं, 3 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार से सातवां देख लीजिए, सातवीं यूनिट चतुर्भुज, इसमें से भी आपको टोटल 7 मार्क्स का आना है, 3 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे देखते जाइए, 8वीं यूनिट है, 9वीं यूनिट है, 10वीं यूनिट, 11वीं यूनिट और 12वीं यूनिट, सभी में, 13वीं 14वीं सभी यूनिट इसमें दी गई हैं, सभी अध्याय इसमें, सॉरी इसमें यूनिट नहीं है, इसमें लेसन वाइज है ना, अध्याय टॉपिक वाइज है, उसमें सब कुछ दिया गया है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने, ठीक है ना। तो उसमें आप सब कुछ दिया गया, आप देखते जाइए। देखिए यहाँ पे 2 अंक के लिखे थे, 2 अंक के, जैसे यहाँ पे 2 आने 2 अंक के 2 आने, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आने, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पर आप अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अभी से आप तैयारी करेंगे तो वार्षिक परीक्षा तक आप अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस इसी के आधार पर आप पढ़ते जाइए कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आना, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, सभी जो भी पूरा ब्लूप्रिंट है उसको अच्छे से देख लीजिए, और सभी क्लास के, मेरे इस चैनल पर सभी क्लास के ब्लूप्रिंट और सभी प्रकार के टॉपिक, जो भी आपको डाउट है वो सभी प्रकार के, इसमें सभी चीज़ें इसमें आपको क्लियर की जाएंगी, है ना, उसका सॉल्यूशन दिया जाए। तो आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी ब्लूप्रिंट आप चाहिए, आपको 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं या 12वीं, जो भी आपका जिस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट चाहिए वो आपको इस पर मिल जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखते जाइए, बस बने रहिए देवेंद्र एकेडमी में, देवेंद्र के साथ। थैंक यू।